इस बार दोस्तों के साथ निकल पड़े ओडिशा के हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी के लिए। दारिंगबाड़ी, इसे ओडिशा का कश्मीर भी कहा जाता है। गाड़ी में सारा सामान लोड करके हम लोग चल पड़े नेशनल हाईवे 16 से, जो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के चेन्नई तक कनेक्ट करता है। हम लोगों का पहला स्टॉप था खड़गपुर, जहां हम लोग एक ढाबे में रुके रात के डिनर के लिए। यहां खाने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था। फिर से हम लोग चल पड़े अपने मंजिल की ओर। हम लोगों का प्लान था सुबह के पहले ही भुवनेश्वर पहुंचने का। सुबह के 4 बजे जब कटक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, ये नज़ारा ही कुछ अलग था। कटक क्रॉस करके रसूलगढ़ में हम लोग थोड़ा देर के लिए रुके। सुने थे यहाँ का मिठाई के बारे में, वाकई में वो बढ़िया था। भुवनेश्वर से होके हम लोग चल पड़े चिल्का के तरफ। हम लोग डिसाइड किए हम लोग चिल्का को एक्सप्लोर करेंगे रामभा के साइड से। तीन घंटे का ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए चिल्का। ये ओटीडीसी का पंथनिवास होटल एंड बोट बुकिंग पॉइंट था। हम लोग 2500 में 10 जन के लिए बोट राइड का अरेंजमेंट किए। आप लोग भी ऊपर नीचे थोड़ा बार्गेनिंग कर ही सकते हैं। रामभा से चिल्का का व्यू ही कुछ अलग था। लग रहा था कोई दूसरे जगह आ गए हैं हम लोग। इस साइड से आपको एक ही पॉइंट दिखाया जाएगा, जो ये खूबसूरत मंदिर है। यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया था। चिल्का के बाद
हम लोग निकल पड़े दारिंगबारी की ओर। दारिंगबारी पहुंचने तक जो नज़ारा हम लोगों को मिला वो हम लोगों का दिल और दिमाग में बहुत देर तक रह जाएगा। फाइनली हम लोग दारिंगबारी पहुंच गए और जो नज़ारा हम लोगों को देखने को मिला उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।